फ्रेंड्स आज मैं आई हूँ गेमिंग पीसी वाले के पास। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने ना इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ना बहुत देखा है कि इतने प्राइस में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो मैं देख लेती हूँ कि ये सच बात है या झूठ बात है। आज ना एक्सपोज होने वाले गेमिंग पीसी वाला, बहुत सही सुना, वीडियो में बने रहिए, सारी सच्चाई पता चलेगी आज आपको इनकी। तो आपको अंदर लेके चलती हूँ, इनकी सारी सच्चाई बताती हूँ। हाँ जी सर, कहाँ है गेमिंग पीसी वाले सर? अरे गेमिंग पीसी वाला पे खड़े होके गेमिंग पीसी वाला को पूछ रहे हैं आप ही होके गेमिंग पीसी वाले से? हाँ। मैंने ना बहुत देखा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि आप बोलते हो इतने में आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। आज आपको ना एक्सपोज करने के लिए आई हूँ मैं। हैं? हाँ जी। सच में? हाँ जी। एक्सपोज करने के लिए? हाँ जी। गेमिंग पीसी वाला को? हाँ जी भाई। मैं चुपके से आई हूँ कि आज ना गेमिंग पीसी वाले को ना एक्सपोज कर देती हूँ कि वो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत मतलब दिखाते हैं कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो देख लेते सच्चाई है या नहीं। भाई मजा आने वाला, तुम्हारी कसम, मजा क्यों आने वाला, एक्सपोज मतलब गेमिंग पीसी वाला को? हाँ जी, आपको एक्सपोज करने। कहाँ से हो मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साक्षी और मैं आई हूँ दिल्ली अशोक विहार से। और ये क्या है, ये कैमरा वैमरे का क्या मैटर? मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी मतलब कि यूट्यूब पे बिजनेस प्रमोट करती हूँ, लेकिन बिजनेस प्रमोट तो मैंने बहुत करे, लेकिन मैंने सोचा गेमिंग पीसी वाले बड़े ही फेमस है, इनको एक्सपोज किया जाए, कुछ नया हो जाए। गॉड, ओह माय गॉड, मजा आने वाला है। तो फिलहाल मैं साक्षी, आपका साक्षी नाम है? हाँ। और किस नाम से चैनल है आपका? मेरा चैनल है MK.Vlogger के नाम से है। और ये किस चीज पे कंटेंट बनाते हैं आप? ऑल बिजनेस कंटेंट बनाते हैं हम। ठीक है। हाँ जी। तो आपको पता नहीं होगा यहाँ पे ऑलरेडी गेमिंग पीसी वाला की कैमरे लगे हुए हैं और आप भी आने वाले हो गेमिंग पीसी वाला पर। सच में? हाँ। कहाँ है आपके एक्सपोज? आप मुझे क्या करने आए हो, मैं आपको करूंगा एक्सपोज भाई के यूट्यूबर। मैं आपको साक्षी, हाँ, आप सच में बहुत सुंदर हैं। हाँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ भाई, हाँ, हमारे जो जो हाँ, चैनल है ना यूट्यूब पे जो गेमिंग पीसी वाला, अभी हमारे पास काफी पॉपुलर लोग आ रहे हैं। हाँ, तो फिलहाल वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट है गेमिंग पीसी वाला। ओके, तो मुझे भी ऐसा भरोसा हो और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा हो, तो उसी चीज के लिए मैं आपके शॉप पे आई हूँ आज। हाँ, चलो वेराज भाई एक्सपोज्ड होता है गेमिंग पीसी वाला कैसे दिखते हैं। चलो भाई, तो फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं साक्षी, मैं एक्चुअली वीडियो बनाने वाला था और आज की जो हमारी थीम क्या थी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा। हाँ, और आप बाहर आइए, उसके बाद हमारे व्यूअर्स को ना आज मजा आ जाएगा, मतलब मजा तो आएगा बिकॉज गेमिंग पीसी वाला पे पहुंच गए हैं साक्षी रावत। और इनका चैनल है फिर से एक बार प्लीज MK.Vlogger के नाम। और ये किस चीज पे कंटेंट डालते हैं? ऑल बिजनेस प्रमोट करती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो मैं तो चाहता हूँ कि प्लीज साक्षी आप मुझे जैसे भी आपको लगे आप अपने चैनल पे जरूर दिखाएं। हाँ जी। अगर गेमिंग पीसी वाला अच्छा लग रहा है या जैसे भी लग रहा है तो प्लीज उसके बारे में अपडेट जरूर दें। हाँ जी। भाई ये है वो है, जैसे भी आपको जो लगे सच्चाई होगी मैं वही बताऊंगी। जरूर बताना। हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वैसे तो मैं भी अपने चैनल पे ये वाली वीडियो डालेंगे। तो फिलहाल कैसे एक्सपोज करना चाहते हैं आप? मैंने ना मतलब बहुत देखा है कि आप पीसी इतने रेट में देते हो, तो मेरे को ना गेमिंग पीसी लेना है अपने घर के लिए, तो हाँ, मैं देखती हूँ मतलब आप मुझे उसी रेट में दोगे या नहीं, और मेरा बजट है बहुत ज्यादा कम। क्या बजट है मैडम आपका? मेरा बजट है 20-25-30 ऐसी है, मतलब कम है मेरा बजट बहुत ज्यादा, और मैं चाहती हूँ मुझे अच्छे बजट में बहुत अच्छा गेमिंग पीसी मिल जाए जिससे ना मैं भी आपकी तरह धूम मचा दूँ। साक्षी जी, आपका बजट बहुत अच्छा है, मैं जो पीसी बनाता हूँ उसमें 15,000 रुपए से गेमिंग पीसी स्टार्ट कर देते हैं। सच में। और सच बात ये है कि उसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं। वैसे तो 15,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, बट आज की मेरी जो थीम थी वो थी थोड़े से अच्छे वाले प्रोसेसर के ऊपर कि भाई हम बढ़िया से बढ़िया क्या बना सकते हैं। हाँ जी। तो फिलहाल रुको सर, ये क्या है, मतलब ये क्या लगा दिया आपने लाइन से ये? हाँ जी। आप कभी एयरफोर्स गए हैं? कभी बॉर्डर पे गए हैं? नहीं। इंडिया के बॉर्डर पे गए हैं कभी? नहीं, मैं तो नहीं गई। ये सब क्या है? ये सारे रॉकेट हैं गेमिंग पीसी वाला के। ओके, ये रॉकेट होने वाले हैं? हाँ, और ये मालूम क्या है, ये गेमिंग पीसी वाला का बॉर्डर है। क्या बात है। हाँ, गेमिंग पीसी वाला का बॉर्डर है। हाँ, और बॉर्डर इसलिए है क्योंकि गेमिंग पीसी वाला की तरफ से कोई जा रहा होता है या गेमिंग पीसी वाला के वीडियो देख रहा होता है कोई, या कहीं पे भी जा रहा होता है, स्क्रॉल कर रहा होता है, गेमिंग पीसी वाला नजर आ गया तो रुक ही जाते हैं हमारे व्यूअर्स। क्या बात है, मतलब गेमिंग पीसी वाले को देख के ना सब रुक जाते हैं कि ये ऐसा क्या धमाका करने वाले। हाँ, देख लेते हैं पहले। तो धमाका क्या करते हैं? धमाका करते हैं हमारे रॉकेट जो इंडिया में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। क्या बात है, जो कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और मैं इसके लिए शर्त लगा सकता हूँ कि आप नेहरू प्लेस आ जाना भाई, कहीं नहीं मिलने वाले आपको, कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, तो ये मिलने वाले हैं कहाँ पर? गेमिंग पीसी वाले। तो फिलहाल हाँ, आप कुछ कह रहे थे?
हाँ मैं ये कह रही थी मुझे ना पीसी चाहिए अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो ये मतलब क्या है, मतलब क्या है इनका प्रोसेस एक बार बता दीजिए। साक्षी जी मैं आपको बता दूं कि हाँ सॉरी मैं साक्षी जी को बता दूं भाई, इसलिए क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हाँ जी, इनको हर बार भाई मैं चाय कॉफी के लिए बोलता हूँ, आज मैं भूल गया क्योंकि बिना मेरे पार्टनर नहीं है हाँ, क्योंकि मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ बड़े वाले वहाँ पे हमारे पार्टनर मतलब कि बिना चक्रवर्ती हमारे साथ रहते हैं, और फिलहाल आज वो नहीं है, आज यार उन्हें कोई काम पड़ेगा घर पे, तो फिलहाल आज वो नहीं है। तो मेरी तरफ से मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि थोड़ी देर के लिए 2, 10, 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए रुक जाइए, और 20 मिनट के अंदर ये वाला वीडियो फाइनल कंप्लीट करेंगे, और इस 20 मिनट के अंदर ना वो मजा आने वाला है ना, सच में आप बिलीव नहीं करोगे कि क्या। एक तो पहली बार हमारे साथ कोई ऐसा यूट्यूबर जो फेस दिखा रहा अपना हाँ जी। उससे पहले हमारे उस्मान भाई, तो उस्मान भाई तो फेस दिखाते नहीं है क्योंकि वो खुद ही वीडियो शूट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वॉइस डालते हैं अपनी हाँ। चलो ठीक है फिलहाल आगे हम, हाँ भाई चाय पानी कॉफी कुछ भी ले लीजिए, हम अपने व्यूअर्स से कह रहे हैं और दूसरे हमारे जो साक्षी के व्यूअर्स हैं, और दोबारा से एक बार चैनल का नाम प्लीज, MK.Bloggers वाले हाँ। तो हमारी आप लोगों से भी गाइस रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, और वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, रॉकेट दिखाते हैं यार गेमिंग पीसी वाला के। तो गेमिंग पीसी वाले के रॉकेट में स्पेशल क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये अतरंगी सा कैबिनेट जो देख सकते हैं भाई, ARGB में भी बहुत ब्यूटीफुल एकदम हाँ, रॉकेट की तरह, ये बिल्कुल रॉकेट की तरह ही होता है। और इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर जो आप लाइट देख रहे हैं ये सारी चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर एक रिमोट भी है, हम रिमोट से भी लाइट चेंज कर सकते हैं। क्या बात है, लाइट भी चेंज हो जाएगी बिल्कुल। और ये जो है लाइट्स जो है अभी ये जेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से आता है, इसके जो ओनर हैं आई थिंक जो भी है मेरे को नहीं पता, मेरे को तो उड़ती उड़ती खबर सुनने को मिली वो कह रहे हैं यार इस पे मैंने लिख दिया फैंटम, इसका नाम रॉकेट रख रहे हैं क्योंकि गेमिंग पीसी वाला ने बोल दिया है इसका नाम रॉकेट होना चाहिए, तो रॉकेट ही कर रहे हैं। तो फिलहाल ये हमारा रॉकेट मतलब गेमिंग पीसी वाला का ऐसी कैबिनेट, ये हमारी कैबिनेट है और इसके अंदर सारा सामान क्या रेडी होने वाला है गेमिंग पर्पस से, तो मैं लेके आया हूँ इसके अंदर i7 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर i7 12700F। ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके मतलब की वीडियो है, पूरी देख लेना भाई, चाय पानी कॉफी लो या मत लो लेकिन ये जरूर देख लेना मजा आएगा। तो भाई ये वाला प्रोसेसर i7 12 जनरेशन 12700F जो ये वाला प्रोसेसर है भाई, आराम से आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप मांगते भी हैं तो ये वाला प्रोसेसर दे रहे हैं आपके लिए भी ओके। इसके अलावा और क्या रहने इसके बाद है? इसके अंदर जो मैं इसमें रैम लगा रहा हूँ, रैम आपकी होगी इसमें T4 की और रैम रहेगी 16GB की। ये रैम की खास बात ये है, ये रहेगी हीट सिंक के साथ, और वारंटी की बात करेंगे तो 10 साल ऑन साइड, 10 साल वो भी ऑन साइड। अगर आपकी रैम खराब हो जाती है तो आपको करना है कस्टमर केयर पे कॉल, और कस्टमर केयर वाले आपके घर आके 24 आवर्स में इसे चेंज करके जाएंगे। क्या बात है, इतनी अच्छी फैसिलिटी बिल्कुल। तो ये रैम के लिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि T4 की रैम खरीदें, और ये रहेगी DDR4 गेमिंग, 3200 MHz की रैम होती है भाई, ये वाली रैम चलेगी धड़ल्ले से रॉकेट के साथ, रॉकेट जैसी आपकी रैम। अच्छा यार इसके बाद हम इसको बोलते हैं हार्ट दिल वगैरह, हम बहुत कुछ बोलते हैं अपने हाँ इसमें पीसी में कि क्या क्या होता है हाँ। और इसमें जो मैंने SSD लगाई है वो SSD है आपकी 500GB की, और ये रहेगी सीगेट की तरफ से, और इसकी बात करेंगे ये NVMe होती है, और वारंटी की बात करेंगे तो 5 ईयर्स वारंटी होती है, नहीं यार इसकी तो 3 साल ही होती है, 5 साल नहीं 3 साल वारंटी होती है। और इसकी खास बात ये है कि अगर ये SSD आपकी खराब हो जाती है तो ये कंपनी सिगेट कहती है कि भैया इसके डेटा रिकवरी की भी कुछ कहीं ना कहीं ये सर्विस देते हैं, मतलब आपका डेटा है तो वो रिकवर करके सिगेट वाले देते हैं। क्या बात है? तो भाई वो 1 ईयर तक आई थिंक होता है, और ये जो है डेटा सेविंग स्टोरेज कह सकते हैं। सेकेंड नंबर पे इसमें जो मैंने मदरबोर्ड इसमें इस कैबिनेट के साथ में जो इस सिस्टम के साथ रेडी कर रहे हैं वो सिस्टम के साथ है Asus Prime H610M DDR4 का मदरबोर्ड होता है, 2 RAM स्लॉट होते हैं इसके अंदर, और ये जो है मदरबोर्ड काफी एंटिक है, सबसे ज्यादा Asus के मदरबोर्ड की डिमांड हमारे व्यूअर्स करते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के मतलब की भी वीडियो है, बहुत मजा आएगा ये वाले जो सिस्टम जब यूज मतलब चलाओगे ना एकदम रॉकेट की तरह चलने वाला है। ये रहेगा Asus की तरफ से, वारंटी की बात करेंगे तो ये जो मदरबोर्ड होता है 3 साल वारंटी वगैरह हम ये सारी चीजें इसलिए बताते हैं क्योंकि इंडिया में मुझे लग रहा है कि जितने भी आप यूट्यूब चैनल देख लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वहां पे आपको इस तरह की चीजें नहीं बताते हैं। और ये जो आपका सिस्टम रहेगा वो है विंडोज 11 के साथ में
एक्टिवेट है, रेडी है, ये वाला मदरबोर्ड भी है और ये प्रोसेसर भी, 12 जनरेशन का प्रोसेसर इसमें यूज कर रहे हैं। okay. एक और खास चीज ये है कि भाई ये सारा सेटअप रेडी करने, मतलब ये हम कस्टमाइज करते हैं, इसके अंदर मैंने लगा दी एनटेक की पावर सप्लाई एटम B650, 650 की पावर सप्लाई है, 2 साल की वारंटी होती है। खास बात ये है कि भाई विदाउट एनी परेशान करे, परेशान नहीं करेगा, के साथ सारी चीजें मिलने वाली है। हाँ, हाँ ये परेशान नहीं करेगा ये वाला SMPS, और भाई धड़ल्ले से चलेगा, ट्रेन बुलेट प्रूफ ट्रेन की तरह। तो ये हो गया। हाँ, और क्या रहने वाला इसके अलावा? सिस्टम की हमारी जान, और इसको हम बोलते हैं दिल, बोलते हैं एक्चुअली हम दिल। हाँ, ये हमारे जो है मैडम है, एक हमारे जो इंजीनियर है वो अभी चली गई। हाँ, वो उनसे पूछा मैंने एक दिन, यार एक दिन हम असेंबल कर रहे थे, मैंने कहा यार इसका नाम क्या दूं, तो उन्होंने बोला है इसको बोलते हैं दिल। तो ये है हमारा दिल, और हमारा नहीं मतलब की गेमिंग इस सिस्टम का, यार हमारी रॉकेट का, जब आप इसे लेने आओगे ये रहेगा 4060 ग्लैक्स की तरफ से होता है। इसकी खास बात ये है कि ये रहता है आपका 8GB का ग्राफिक कार्ड होता है। एक और चीज, आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं, आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें एक और चीज है वो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग हमने इसलिए बोला भाई, ट्रेडिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद में आप इसमें 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, 4 इसके अंदर जो है HDMI पोर्ट होते हैं, और 4 HDMI पोर्ट का मतलब तो ये होता है कि भाई 4 मॉनिटर आप लगा सकते हैं, और उस पर क्या मिलेगा मालूम है? क्या मिलेगा सर? अलग अलग आप डिस्प्ले देख सकते हैं, कि मतलब 4 कंप्यूटर खरीदते हैं हम, तो 4 कंप्यूटर नहीं खरीद रहे, 1 कंप्यूटर पे मतलब कि आपने एक पे चीज में सारे काम हो जाएंगे। आप एक पे एडिटिंग करो, हाँ जी, ओके ओके, एक पे आपने यूट्यूब पे अपना ही वीडियो चला के रखा है, ओके, एक पे आपने भैया कोई मतलब कोई एक्सेल पे कुछ भी यूज कर रहे हैं, हाँ जी, और चौथे पे कुछ भी देख लो यार, तुम्हें जो देखना देखो। तो भैया 4 मॉनिटर, 4 मतलब कि 4 डिस्प्ले अलग अलग, ओके ठीक है। हाँ, ये इस कार्ड की सुविधाएं मतलब इसके अंदर जो है वो बता रहा हूँ, और ये चीजें कौन समझता है? हमारे जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग वाले क्या है कि पोर्टफोलियो देखते हैं वो लोग, और पोर्टफोलियो में किसी का कोई अपने अपने अलग अलग जिसमें उन्होंने पैसा लगाया होता है उसकी अपनी ग्रोथ देखते हैं कि ये लॉस में चल रहे हैं हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे किसी भी तरह के टेक्निकल मतलब कि यार एडिटिंग, गेमिंग या फिर ट्रेडिंग या एजुकेशन पर्पज से भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है ये 4060 का, बिल्कुल 4 सीरीज का नया ग्राफिक कार्ड है। तो ये वाला सिस्टम रेडी होता है। अब मेरे से पूछो कि कितने का है? कितने का है सर ये तो बता दो एक बार, प्राइस क्या रहने वाला है इसका? इस सिस्टम के प्राइस रहेंगे 95,000। 95,000 1 लाख के अंदर है। okay. और इसके लिए हम 5 गिफ्ट देते हैं, और वो पांच गिफ्ट फ्री मिलने वाले हैं। हाँ, क्या बात है। और इसमें देख सकते हैं, और इसमें 5 गिफ्ट होते क्या हैं फिलहाल वो दिखाते हैं। हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह के हमारे ये रहा कीबोर्ड माउस, ये होता है गिफ्ट में, ये है टेक कंपनी का, इसमें माउस होता है और कीबोर्ड होता है। ओके, ये हम इसको काउंट करते हैं 1 में, और इसके साथ HP की पेन ड्राइव देते हैं जो 32GB की रहती है, एक माउस पैड देते हैं जो गेमिंग माउस पैड होता है, एंड एक देते हैं गेमिंग हेडफोन। ये 4 हो गए, एक और कुछ न कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग, छोटे स्पीकर दे दिया कुछ भी, इस तरह की चीजें ये एज ए गिफ्ट रखते हैं। और ये 95,000 रुपीज में ये सिस्टम, क्या बात है, मतलब ये फ्री मिलने वाले, ये फ्री में देते हैं। इन सब चीजों के बाद मतलब कि इस रॉकेट के साथ में आप यार सिस्टम रेडी करा सकते हो। और बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमारी जो मैडम है वो देखती रहती हैं कि किस किस के कितने कमेंट आते हैं, तो एक एक दिन में मालूम कितने कमेंट आते हैं, 2,500-3,000 कमेंट आते हैं। तो वो हमें वीडियो बना के ही डालना पड़ता है कि भैया कमेंट मत करो इतने ज़्यादा, आपका बजट ये है उसमें हम ये देख रहे हैं, और यूट्यूब पे जाके देख लो आपको हर प्राइस के PC मिल जाएंगे, प्रॉपर बताते ये वारंटी है, ये आइटम है, ये सामान मिल रहा है। अगर आप उसका लिंक भेज दो मुझे तो बहुत सुविधा हो जाती है, तो हमें ज्यादा बार कोटेशन वगैरह नहीं बनानी पड़ती है। okay. तो कुछ अपडेट कराना करा सकते हैं। हाँ, आप बताएं कुछ कह रही थी। और इसके अलावा इससे थोड़ा सा लो बजट में और कोई है आपके पास? इससे लो बजट में जाना है? हाँ जी। अच्छा, तो इससे लो बजट में चल लेते हैं भाई कि क्या मिलेगा इससे लो बजट में। हाँ जी। इससे लो बजट में आपका क्या बजट है, किस बजट में देख रहे हैं आप? कम से कम मिल जाए 40। आप रुको एक मिनट। हाँ। आप ये ज्यादा हो जाएगा, मैं इससे पहले आपको कुछ बोलूं भाई, ये 80,000 रुपए में दूंगा, और 80,000 रुपए में क्या दे रहा हूँ, तो 80,000 रुपए में भाई थोड़ा सा समझ लेना,
वो था जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, वो था i7 का 12 जनरेशन। हम आ जाते हैं i7 के 10 जनरेशन, मतलब कि 10700F। इसकी वारंटी की बात करेंगे तो वारंटी रहती है 3 साल कंपनी की तरफ से। 500 GB की NVMe की SSD है, जो सीगेट, जो मैं अभी आपको फीचर बता चुका हूँ, वारंटी बता ही चुका हूँ। इसके अंदर मैंने दे दिया भैया T4 की RAM, जो वारंटी उसकी भी बता चुका हूँ और ये सब कुछ बता ही चुका हूँ। इसके अंदर भी मैंने 16 GB की RAM, 3200 MHz की, और ये T4 वारंटी सब कुछ आपसे शेयर कर दिया। ASUS का ही मदरबोर्ड इसके अंदर डाल दिया, H510 इसके अंदर मदरबोर्ड है। वारंटी इसकी भी बता चुका हूँ 3 साल, मतलब मैक्सिमम जितने भी आइटम्स होते हैं 3 साल वारंटी होती है। और भाई इसमें जो मैंने पावर सप्लाई की बात करी थी उस वाले सिस्टम में, उसमें भी मैंने 650 वाट एनटेक का ही इस्तेमाल किया है, इसमें भी तो 650 वाट की पावर सप्लाई है। हाँ यार, ग्राफिक कार्ड बदल गया, उसमें मैंने कुछ और किया था, अब इसके अंदर ग्राफिक कार्ड वो लगा रहे हैं, वो गैलेक्स का है। उसके अंदर जो मैंने लगाया था वो भी गैलेक्स का था, बट वो 4060 था और ये 3050 है, 3050 का ग्राफिक कार्ड है। और इसके अंदर क्या है कि खास चीज़ें बता देते हैं क्या है, तो इसके अंदर है वही मल्टी डिस्प्ले के साथ में है और 4K अल्ट्रा HD है। इसके अंदर 3 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, वारंटी रहने वाली है 3 साल। तो ये जो सिस्टम आपका रेडी होगा, ये रेडी होगा भैया इसी रॉकेट के साथ, सारे गिफ्ट साथ में रहेंगे। और ये सिस्टम हो गया आपका 80,000 रुपये का, 15,000 रुपये की बचत के साथ में, मतलब 15,000 रुपये आपका i7 12th generation के साथ में, 15,000 रुपये महंगा था और ये 15,000 रुपये सस्ता, मतलब 80,000 रुपये में ये सिस्टम आपका रेडी हो रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ भैया, वो 5-5 गिफ्ट भी रहेंगे, गिफ्ट भी फ्री मिलने वाले। हाँ ओके, तो मैं अब ये चाहता हूँ साक्षी जी आप ही बोल दीजिए, क्योंकि मैं तो थक चुका हूँ। सर आप थक गए मतलब? हाँ। और उससे सस्ता दिखा दीजिए थोड़ा, मतलब अभी भी ना मैं अपने बजट में आई नहीं हूँ। नहीं है? नहीं। चलो ठीक है, 6,500 रुपए के बजट में आपको एक पीसी दिखाते हैं। अब ये पहले 95 दिखाया, अब 80 का दिखाया, अब 60,000 रुपए पे आ जाते हैं। और 60,000 रुपए में क्या दे रहे हैं भाई, तो 60,000 रुपए में अपनी ही रॉकेट, मतलब इसलिए रॉकेट लेके चल रहे हैं यार, आपको कैबिनेट चेंज करना है तो कैबिनेट चेंज कर सकते हो, प्राइस आपके डिफरेंस हो जाएंगे। तो जैसे आपको बहुत सारे रॉकेट, एक बार रॉकेट के अलावा, सॉरी रॉकेट बोल रहा हूँ, रॉकेट के अलावा कैबिनेट चाहिए तो एक बार इस तरह के कैबिनेट भी देख सकते हैं, तो ये भी मिल जाएंगे। हाँ, ये सारे कैबिनेट्स ही हैं, आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम दोबारा से दिखा देते हैं कि i5 में 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में बता देते हैं भाई 60,000 रुपये में क्या दे रहे हैं। तो 60,000 रुपये में दे रहे हैं i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर, ठीक है, i5 12 जनरेशन का प्रोसेसर और रॉकेट, 3 साल वारंटी। इसके अंदर मैंने लगा दी है भैया 8 GB की रैम, वहाँ 16 थी, यहाँ पे 8 GB की रैम कर दी है T4 की, वारंटी 10 साल। इसके अंदर भी भाई मैंने 5 GB NVMe यूज़ किया है, जो सीगेट, वारंटी 3 साल। और इसके अंदर मैंने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो MSI का है, H610, वारंटी 3 साल, और ये 2 RAM स्लॉट के साथ होता है। एंड इसमें भाई मैंने पावर सप्लाई मैंने चेंज कर दी है, भाई सॉरी यार गिर गई। इसके अंदर मैंने पावर सप्लाई चेंज की है, उसमें दोनों में मैंने 650 वाट लगाई थी, इसके अंदर एनटेक की 550 वाट की पावर सप्लाई है। एंड भाई ग्राफिक कार्ड भी चेंज हो गया, और ग्राफिक कार्ड हो गया आपका 4 GB गैलेक्स की तरफ से, और गैलेक्स का जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर भी जो है हम 3-4 मॉनिटर कनेक्ट हो जाएंगे। 3-4 मॉनिटर हमने इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर जो है 3 DP पोर्ट होते हैं और 1 HDMI पोर्ट होता है, तो मतलब कि 4 मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं। एंड क्या कह रहा था कि 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, गैलेक्स की तरफ से है, और ये GTX होता है, वो RTX थे, ये GTX में 1650 का ग्राफिक कार्ड हो गया। एंड ये सिस्टम आपका रेडी हुआ 60,000 रुपये में। और 60,000 के बाद एक और कहानी थी, वो थी आपको जो गिफ्टिंग वाली कहानी है, 5 गिफ्ट ये इसके साथ भी रहने वाले हैं, ये इसके साथ भी रहने वाले हैं। तो गाइज आपको ज़्यादा बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे आओ शॉप पर, विजिट करो, हमारे स्टाफ से मिलो, आप वीडियो का लिंक दिखाओ या वीडियो दिखा दो थोड़ी सी और उनसे बोलो भाई रेडी करो फटाफट से, तुरंत रेडी हो जाएगा विदाउट एनी टाइम पास करे। ओके, अब कौन सा रहने वाला है जो मेरे बजट में हो? यार एक बात बताऊं, हाँ जी, आप मुझे क्या करने आए थे यहाँ? एक्सपोज करने। और आप ही हो गए। हाँ। आप ही हो गए और हमारे चक्कर में पड़ गए भाई के गेमिंग पीसी वाला ये क्या कर रहा है, तो हम भी इसी वीडियो में शामिल हो जाते हैं। हाँ, तो फिलहाल एक्सपोज करने आई थी और खुद ही एक्सपोज हो गई। सही है, मुझे जो मतलब दिखाते हैं ना सेम चीज वही रहने वाली है, अभी तक तो यही है। ये वीडियो हमारी इसीलिए चलती है क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स है ना वो ऐसी चीजें ही देखना पसंद करते हैं, उन्हें मजा आता है ऐसी चीज में, क्योंकि उन्हें चाहिए ये चीजें, ये चीजें चाहिए, रॉकेट चाहिए,
और रॉकेट के साथ में ये क्या क्या दे रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन ये समझते हैं, सुनते हैं और फिर दिन में भीड़ मचाते हैं। ऐसे होना चाहिए मतलब, है ना। तो ये कौन सा रॉकेट है, अब इसमें क्या है? इस रॉकेट के साथ में ये सारे मिसाइलें हैं समझ लो, इसमें इसमें कितना कितना मसाला है उसी के हिसाब से चलता है सारा। तो इनकी सबकी चाय खत्म हो गई, इनसे दोबारा से पानी पत्ता कुछ भी पूछ लीजिए भाई, हम तो यूपी वाले हैं। तो भाई दोबारा से हमारी एक और रॉकेट, और रॉकेट में हम क्या दे रहे हैं, तो रॉकेट में दे रहे हैं 55,000 रुपए। अभी देखो 95 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, अब 55,000 रुपये में आ गए। तो 55,000 रुपये में i5 का दे रहे हैं 12, अरे यार 12 तो बता दिया, i5 में 10th generation 10400F 3 साल वारंटी के साथ में है भाई। इसके अंदर 8GB की रैम, भाई देखो प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सस्ते में अगर कुछ चाहिए तो हमारी कबाड़ी बहुत सारे नेहरू प्लेस में बैठे हैं, तो कबाड़ियों से मिल लो भाई। कबाड़ी मतलब कहने का मतलब ये है कि डुप्लीकेटरों से, अरे यार क्या बोलूँ यार, कॉम्पिटिटर भी नहीं होते हैं, कोई डुप्लीकेट भी नहीं होते हैं, मैं क्या बोलूँ यार इन्हें साक्षी। बताएं क्या, एक और चीज बताता हूँ आपको, किसी ने रोका यहाँ पे नेहरू प्लेस में? हाँ, बहुत लोग क्या बोला कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप यही है? हाँ जी। अच्छा, और सर गए हैं कहीं घूमने के लिए, सर नहीं है? हाँ। तो ये यार इस वाली वीडियो में ना मैं अपने स्टार्टिंग में जरूर एक बार लोकेशन अभी दोबारा से दिखाऊंगा। मतलब मैं भी आ रही थी ना, मैंने बोला गेमिंग पीसी वाले की शॉप कहाँ है, तो वो बोलने लगे हाँ यही तो है, मैं इस टाइप यहाँ पे ये होता है। और बोलते हैं सर अभी है ना, सर गए हुए हैं। तो गाइज इस चक्कर में आप शिकार मत हो जाना यार, जब तक मेरी शकल ना देख लो या फिर ये वाला बटन ना देख लो ना, ये सारी चीजें ना देख लो, शॉप पे रुकना मत। ये जो है ना यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको एक और बहुत बड़ा मतलब इसके ऊपर एक वीडियो मेरा बनने वाला है, जल्द बनने वाला है। आई थिंक ये वाला वीडियो डलेगा, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, और उस वीडियो के अंदर मालूम क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि स्कैम कैसे करते हैं लोग। और स्कैम में क्या करते हैं कि वैसे तो मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना, मैंने कभी किसी बंदे की बुराई नहीं करी है, किसी के बंदे के बारे में कुछ नहीं बोला है। नेहरू प्लेस में सब बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं, सारे देवी देवता हैं, सब सब यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ पागल लोग बैठे हुए हैं, और वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को ये बहुत बड़ा 30 मार का बताते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, बाकी तो सब बेवकूफ़ हैं। तो फिलहाल वो तो आप देखो यार, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा तुम देखो। चलो जो भी है, एनीवे हमें यहाँ पे बात करनी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हाँ यार, कहाँ पे थे हम? i5 10th generation पे, 55,000 रुपये के पीसी पर थे, और i5 10th generation का प्रोसेसर 3 साल वारंटी के साथ में हो गया, रैम 8GB की हो गई, T4 की तरफ से जो विद हीटसिंक होती है सारी रैम, मैंने बढ़िया क्वालिटी का सामान लगाया, 5GB की NVMe है, जो भाई आपको बता ही चुका हूँ सारा, H510 MSI का मदरबोर्ड हो गया। इसमें भी मैंने पावर सप्लाई जो यूज़ की है वो एनटेक की तरफ से 550 वॉट की है। अबे भाई इसमें एक कलरफुल का ग्राफिक कार्ड मैंने लगाया है, और ये भी GTX है, और GTX 1630 4GB का ग्राफिक कार्ड होता है, और इसके अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें होने के बाद ये 55,000 रुपये का रेडी किया है। ये हो गया रेडी सिस्टम, और ये रॉकेट के साथ में उड़ जाएगा 55,000 का, 55,000 रुपये में उड़ेगा, और 55,000 रुपये में उड़ने के साथ में मैं ये कह सकता हूँ कि गेम, इन जितने भी सिस्टम की बात करी है ना, गेम डाल लेना जो मर्जी। मेरे बजट में जो होना था वो तो हो गया, अब गेमिंग पीसी वाले की ना शॉप के दर्शन कर लेते हैं, तो सर दर्शन करा दीजिए। शॉप के दर्शन करने हैं? चलो भाई आज दिखाते हैं आप लोगों को भी, साक्षी जी तो दर्शन कर ही लेंगी, आप लोगों को भी तो करना है। तो रुकना है कहाँ पर है, गेमिंग पीसी वाला पर। तो सबसे पहले नंबर पे आपने करना क्या है भाई, आ जाओ दिखाते हैं। हाँ जी, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से 10 फुट ऊपर है, okay. और ये पूरा फुल है स्टॉक okay. से यहाँ से देखेंगे तो ये भरा पड़ा है, ये फुल है यहाँ पे पूरा, ये पूरा मटेरियल से फुल है, एक बार देख लीजिए, ये देख सच सकते में? है, और ये देख सकते हैं पूरा फुल है, यहाँ पे इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या है यहाँ। मतलब ये देख सकते हैं कितना ही स्टॉक होने वाला है, भरपूर मात्रा में यहाँ पे स्टॉक का स्टॉक भरा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे इतना मटेरियल है कि आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या भरा पड़ा है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, है प्रोसेसर वगैरह सारी चीजें, और गिफ्टिंग के आइटम, हेडफोन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर आपको। लैपटॉप की बैटरियां से लेके मतलब बैटरी एडाप्टर सब कुछ रखते हैं वैसे तो हम, लेकिन मेन चीज है गेमिंग पीसी वाला का, मतलब कि गेमिंग पीसी वाला का सिस्टम इस तरह का है। यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड्स हैं, यहाँ पर जो देख रहे हैं AMD के 8GB का ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं,
कीबोर्ड माउस रखे हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे कैबिनेट्स रखे हुए हैं जो हैवी हैवी भारी भरकम टाइप के, बाहुबली टाइप के ये सारे कैबिनेट्स हो गए। यहाँ पे लिक्विड कूलर लगा दिए मैंने। तो ये जो है हमारे पास मॉनिटर होते हैं, आपने कैबिनेट तो देख ही लिए, लिक्विड कूलर हो गए, आपको जैसी वैसी चीजें भी मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको इंटेल के प्रोसेसर, इंटेल के प्रोसेसर में आपको पेंटियम से लेके i9 में 4900K तक के सारे प्रोसेसर मिलेंगे। AMD की बात करोगे तो AMD Ryzen 3 3200G से लेके Ryzen 9 के 7950X3D तक के सारे प्रोसेसर अवेलेबल हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करेंगे तो सारे ग्राफिक कार्ड मिल जाएंगे, SSD की बात करेंगे सारी SSD मिल जाएंगे। तो मैडम कैसे क्या कहना चाहेंगे गेमिंग पीसी वाला के लिए, कैसी लग रही शॉप? बहुत ही बढ़िया, और जो चीज दिखाते है ना वो सेम चीज यहाँ पे मिलने वाली। मैं तो एक्सपोज करने के लिए आई थी लेकिन मैं खुद ही उल्टा हो गई। अच्छा एक और चीज दिखाते हैं साक्षी आपको, थोड़ा सा बाहर चलना पड़ेगा, हमारे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करो आप अपने वालों से भी थोड़ा सा पीछे चले और हम दिखाते हैं इतना अंदर है तो बाहर कितना होगा। तो बाहर देख सकते हैं भाई ये सारा का सारा सामान, मतलब कि ये गेमिंग पीसी वाला पर ये सारी चीजें मिलने वाली हैं आराम से आपको। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि सबसे पहले गेमिंग पीसी वाला एंड मैडम क्या नाम है चैनल का फिर से? MK.Blogger। आप लोग भी भूल गए होगे ना, तो इस पे जाओ यूट्यूब पे जाके चेक करो और आपको मिलेगा सब्सक्राइब करने के लिए। अरे सब्सक्राइब करने के लिए आप मुझे देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बहुत अच्छी बात है। गाइज अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से आपको करना सब्सक्राइब और साथ में लाइक, फिर कमेंट और फिर इसको कर दो शेयर, शेयर कर दो जिससे कि हम आपको बराबर देखते रहें, मतलब कि आप मुझे बराबर देखते रहें और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं बाकी के जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग देख रहे हैं वो भी देखते रहें। तो गाइज आज के लिए वीडियो का करते हैं एंड, द एंड नहीं एंड। तो साक्षी जी कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ना फैला दो ज्यादा से ज्यादा।